दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पढ़ाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लो किसी भी पुरुष को ऐसी औरत पसंद आ गई है जिस औरत की उम्र थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों, मुझे कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर दोस्तों ऐसे भी बहुत से पुरुष होते हैं जिनको ऐसी औरतें पसंद आती है जिन औरतों की उम्र 30 या 35 साल की होती है। तो ऐसी औरत को इम्प्रेस कैसे करेंगे, इसके ही बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है कि 30 या 35 साल की उम्र की औरतों को कैसे इम्प्रेस करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी औरत पसंद आ गई है जिस औरत की उम्र 30 या 35 है। ऐसी औरतों को अगर किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस करना है तो उस व्यक्ति को उस औरत के सामने दिखावा नहीं करना है। उनके दिखावे का या शाइनिंग का उन औरतों पर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब किसी औरतों की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस औरत के सामने कोई भी पुरुष कितना भी दिखावा कर ले या कितना भी शाइनिंग मार ले, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन ले या कितना भी दिखावा कर ले, उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलता। क्योंकि इस उम्र की औरतें ऐसे दिखावा करने वालों पुरुषों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों, ऐसी औरतों को पटाना है तो आपके पास एक या दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इमोशनल अटैचमेंट। दोस्तों, सीधे सीधे बताया जाए तो इमोशनल अटैचमेंट का मतलब जैसे कि आप उसके लिए कोई ऐसा काम करो जो उसके लिए कोई भी नहीं कर रहा हो, और जब आप उसके लिए वो काम करोगे तो उसके और आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी। जैसे कि वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस गई हो, तब उसका कोई भी दोस्त या कोई भी फैमिली मेम्बर उसको उस प्रॉब्लम में कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो ऐसे प्रॉब्लम में आप जाकर उनको सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो। इससे उनके और आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाएगी। दूसरा रास्ता, अपनी खुशी जाहिर करो। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप उस औरत के सामने हमेशा यही दिखाओ कि आपकी लाइफ कितनी मस्त है, आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी औरत आती है तो आप उस औरत को भी बहुत खुश रखोगे, उस औरत की लाइफ भी आपके साथ रहकर खुशियों से भर जाएगी। अगर आप उस औरत के सामने इतना करने में कामयाब हो गए तो 100% वह औरत आपसे इम्प्रेस होगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसी औरतों को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पे होते हैं, ना कि जो फालतू का दिखावा करते हैं।